अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट आवर स्टडीज। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 42। स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी वर रीडिंग इन चैप्टर नंबर 10, अ फैमिली ऑफ 8, एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर लेसन रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन इन द प्रीवियस लेसन। टुडे we will start from exercise A. Draw the diagram of solar system, label and color it. यहाँ आपको space दी गई है पूरी exercise के लिए। आपने यहाँ पर diagram बनानी है solar system की और उसको label करना है, यानी आपने उस तमाम जो planets हैं, sun है, उस सब को आपने उनके names जो हैं वो mention करने हैं, और उसके साथ साथ आपने उसको color भी करना है। ठीक है, जैसे आपको exercise में यहाँ सोलर सिस्टम नज़र आ रहा है, जब फर्स्ट पेज पे आपने बनाया था, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स बनाए गए हैं, उनके कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ साथ हर प्लैनेट जो है, जो उसका ऑर्बिट है, जहाँ पर वो मूव कर रहा है, साथ साथ उसको लेबल किया गया है, उनके नेम्स यहाँ पर मैंशन है। इसी तरीके से आपने वहाँ जो आपको स्पेस दी गई है, वहाँ पर आपने ये डायग्राम बनानी है और उसको आपने लेबल भी करना है और उसमें कलर्स भी करने हैं। ठीक है, बहुत प्यारी और नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये आप एक्सरसाइज करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ आपका जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के दौरान, बीच में हमने कर लिया था। साथ साथ आपको मैंने लास्ट टाइम सम फैक्ट्स अबाउट अवर सोलर सिस्टम, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो यहाँ आपको मैंने पढ़ा दिए थे प्रीवियस लेसन में। आज मैं आपको इन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हीं में से ब्लैंक्स करवा दूंगी। जैसे मरकरी इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, तो इसको हम क्लोजेस्ट को अंडरलाइन कर लेते हैं, यानी ब्लैंक स्पेस रखेंगे, और इस तरह से आपको इसमें से तमाम की नहीं लेकिन चंद एक जो हैं वो ब्लैंक्स बना देती हूँ, और इसकी मैं आपको पिक्चर साथ ही लेक्चर के सेंड कर दूंगी। आपने वो ब्लैंक्स जो हैं वो कॉपीज पर उतारनी है। ये आपको ऑब्जेक्टिव वर्क हो जाएगा क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में नहीं दी गई हैं और ये काफी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स आप याद कर लेंगे नोट्स की सूरत में, और इसके साथ साथ जो ब्लैंक्स आप करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपका थोड़ा सा इसके साथ। ठीक है जी, और ये हमारा अब लास्ट चैप्टर होगा इंशाल्लाह। अगले जो लेसन होगा उसमें मैं रिविजन स्टार्ट करवा दूंगी आपको, और चैप्टर नंबर 1 से हम लोग रिविजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो इसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनकी मैं आपको पिक्चर सेंड करूंगी लिंक के साथ। ठीक है, वो आपने ब्लैंक्स जो हैं वो आपने नोटबुक पर उतारनी है, और उसके अलावा आपने ये एक्सरसाइज ए करनी है डायग्राम। क्लियर? ओके, अल्लाह हाफिज।